सोलन में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। शहरवासी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। उन्हें 7 दिनों के बाद पीने का पानी मिल रहा है। लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन अब इस समस्या पर राजनीति आरंभ हो चुकी है। पानी के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने नगर परिषद अध्यक्ष का घेराव करने की चेतावनी दी है, तो इसी चेतावनी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सुर्ख नजर आई और उसने पलटवार करते हुए कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भर साहनी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक जब से जीते हैं वह लापता हैं, इसलिए मजबूरन खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष उनकी जिम्मेवारियों को निभाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि शहरवासियों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी नगर परिषद के अध्यक्ष का घेराव करने की चेतावनी दे रहे हैं। अगर वह उनका घेराव करेंगे तो उनके विधायक का घेराव भी किया जाएगा, और अगर वह शहरवासियों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो उनका सोलन में आना जाना निषेध कर दिया जाएगा। सोलन में पानी की भारी किल्लत है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर छीटा कसी करती नजर आ रही है। ऐसे में शहरवासियों को पानी कब मिलेगा इसकी कोई स्टिक जानकारी नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल में पानी को लेकर घेराव और प्रदर्शन कर रही थी, जगह जगह जाकर पानी वितरित कर शहरवासियों के दिलों में जगह बना रही थी और कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी, लेकिन आज उसके उल्ट हो रहा है। लेकिन तब भी जनता प्यासी थी और आज भी प्यासी है और राजनीतिक मुद्दों में पिस कर रह गई है। मैं कांग्रेस को ये पूछना चाहूंगा कि उनके जो विधानसभा के यहाँ से विधानसभा चुन के गए हैं एमएलए, वह कहाँ हैं? और पिछले पूर्व 5 साल में उन्होंने जितना जनता के लिए इस पानी की समस्या को हल करने के लिए चिंता की है, उसके बारे में भी जवाब दें। हमारे अगर खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष अधिकारियों को लेकर के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए अगर अधिकारियों के साथ बैठते हैं तो कांग्रेस के इन लोगों को पेट में मरोड़ पड़ते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ के विधायक का घेराव करेगी, जो कि 6 साल से उनका कार्यालय शून्य का रहा है। जो काम उन्हें जनता के विधानसभा के उठाने चाहिए वो आराम फरा रहे हैं। विधानसभा की उनको चिंता नहीं है, चाहे पानी का मुद्दा हो चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो। हमारी प्रदेश सरकार उस पर बड़ी गंभीर है, पर आदरणीय विधायक जी यहाँ पर सिर्फ छुट्टियां और पिकनिक मनाने आते हैं, उसको लेकर के हम आदरणीय विधायक जी का यहाँ पर जो कि रेस्ट हाउस में मौजूद रहते हैं, हम उनका घेराव करेंगे और यहाँ पर उनका आना भी हम यहाँ पर प्रतिबंध कर देंगे अगर उन्होंने जनता की समस्याओं को यहाँ उठाना शुरू नहीं किया।